पैन केक के लिए मैंने सबसे पहले बटर लिया है, 1 चम्मच बटर है ये, इसे मैं मेल्ट कर रही हूँ। इसमें मैं 1 कप चीनी डालूंगी और चीनी के साथ इसे इस तरह से मेल्ट करूंगी। अब मैं इसमें 1 चम्मच क्रीम डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। अब मैं इसमें फुल क्रीम मिल्क डालूंगी और इसे मिक्स करूंगी। 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब हम इसमें 1.5 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। मैदा को हम धीरे धीरे डालेंगे इस तरह से, एक बार में पूरा नहीं डालना है क्योंकि लम्स पड़ने का चांस रहता है, इसलिए हम इसे थोड़ा थोड़ा डाल के इसे इस तरह से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा करके हम डालेंगे ताकि इसमें लम्स नहीं पड़े। मैंने यहाँ करीब 2 कप मैदा लिया और इसमें करीब 1/3 शुगर लिया, चीनी, आप चाहें तो चीनी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसका कंसिस्टेंसी कैसा है, ये बिल्कुल पोरिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए इसकी। थोड़ा सा दूध मैंने मिलाया, मैंने पानी बिल्कुल भी इसमें यूज़ नहीं किया, पूरा दूध में ही मैंने इसे घोला। तरह का बैटर होना चाहिए, आप देख सकते हैं। अब हम इसे रेस्ट होने के लिए 10 to 15 मिनट्स रखेंगे, उसके बाद में पैनकेक बनाना स्टार्ट करेंगे। तवा हमारा गर्म है, मैंने यहाँ पे शुद्ध घी का यूज़ किया है, आप चाहें तो बटर या ग्राउंड नट ऑयल या रिफाइन ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आंच को मिनिमम पे रखूंगी और इस तरह से चम्मच की मदद से इसे फैलाऊंगी। आंच को बिल्कुल मिनिमम पे रखना है। इसे हम ढककर पकाएंगे, इस तरह से मैंने लिड से इसे ढक दिया है। 4 से 5 मिनट में ये अच्छी तरह से पक जाएगा। हमारा पैनकेक बनके तैयार हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से, आप देखिए ये चारों तरफ से अच्छी तरह से पक गया है। अब हम इसे फिर से लिड से ढककर पकाएंगे। हमारा पैनकेक बनके तैयार है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें थोड़ा चॉकलेट सॉस लगा रही हूँ, बच्चों को चॉकलेट का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इसे हम इस तरह से लगाएंगे और इसे इसको एक के ऊपर एक चिपका देंगे। इस तरह से हमारा डोरा केक बन के तैयार हो जाएगा। पैनकेक बनकर तैयार है, जिसे मैं चॉकलेट से डेकोरेट कर रही हूँ। मैंने चॉकलेट को मेल्ट कर लिया है और इससे मैं डेकोरेट कर रही हूँ। पैनकेक बनके हमारा तैयार है, मैं इसे डोरा केक की तरह बना रही हूँ।